हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स ओपन बिहार चैनल के एक और यूनिक वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं बिहार का नंबर वन एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि पूसा में एस्टेब्लिश्ड है। तो चलिए हम आपको इसका एंट्रेंस दिखाते हैं, उसके बाद इस कॉलेज के हिस्ट्री पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो गाइज लेट्स, तो गाइज ये रहा आपका मेन एंट्रेंस। इसका पूरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और सेंट्रल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। तो गाइज चलिए हम लोग इस कॉलेज के थोड़ा इतिहास पर चर्चा करते हैं। गाइज इस कॉलेज को का इस्टेब्लिश डेट है 1905, जो कि अमेरिकी समाज सेवक द्वारा 30,000 पाउंड में उस टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। बट 1934 के बिहार में बहुत ही बड़े भूकंप आने के कारण ये इसका मेन जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर उसके बाद इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। तो फिर 1970 में इस कॉलेज को भारत सरकार के मदद से फिर वापस इस कॉलेज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानने जाना लगा। तो चलिए हम आपको इस कॉलेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट करवाते हैं और एक एक चीज़ हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हो कितना ही प्यारा, कितना ही खूबसूरत बनाया गया है, क्या ही तो बात है। इस कॉलेज के इतनी खूबसूरती इस बिहार में फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में आया हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहा जाता है कि यह लवर्स पॉइंट है। ये 1 जनवरी को बहुत ही ट्रेंडिंग में ये जगह रहता है। यहाँ पे बहुत सारी आपको कपल पितलियाँ दिखेंगे 1 जनवरी को। तो गाइस चलिए पूरा हम विजिट करवाते हैं आपको, एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो बने रहिए लेट्स ओपन बिहार चैनल के एक और अच्छे और यूनिक वीडियो में। तो गाइज देखिए, यहाँ का मेन एंट्रेंस के सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टैचू लगाया गया है, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। और देख सकते हैं इसका ये कॉलेज के अंदर जाने का एंट्रेंस है। तो गाइज चलिए हम अंदर चलते हैं। तो इसका जूम करके हम दिखाते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो गाइज इस कॉलेज में हम लोग इंटर कर चुके हैं और देखिए कितना ही प्यारा बनाया गया है इस कॉलेज को, कितना ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और हम लोग इसी एंट्रेंस से इंटर किए हैं। देखिए कितना ही प्यारा है, जस्ट लाइक अ पार्क। तो गाइज आप देख सकते हैं इधर कितना प्यारा फूल का बगीचा है। और मेन बिल्डिंग है। और चलिए और आप लोगों को और भी दिखाते हैं और कुछ यहाँ का। देखिए गाइस कितना ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ हर जगह फूल और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया गया है। इस कैंपस के बीच बिना सारणी का मंदिर बनाया गया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और देख सकते हैं इसका पूरा ग्राउंड, वो आपका कैंटीन है। जूम करके दिखाते हैं, वो आपका कैंटीन रहा। और ये आपका मेन बिल्डिंग है, जो कि पहले भी हम दिखा चुके हैं। और देखिए गाइस कितना ही प्यारा बनाया गया है, देख सकते हो आप। यहाँ हर एक जगह पे बनाया गया है, बहुत ही बारीकी से फूल वगैरह लगाया गया है, कितना ही प्यारा फूल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो आपका लाइब्रेरी है, और बहुत ही प्यारा। चलिए गाइस एक और इंटरेस्टिंग थिंग चीज़ दिखाने वाले हैं हम आपको, और बहुत ही ये इसके बारे में आप लोग नहीं, अगर देखे भी होंगे बहुत सारा वीडियो तो उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आप देख सकते हैं उधर क्या है पता है, वहाँ नेशनल स्टेडियम बन रहा है, जो कि उसका काम अभी प्रगति पे है। तो हम आप लोगों को वो भी दिखाने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए इसका लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाया गया है। और देखिए यहाँ का कितना प्यारा, मतलब कि बहुत अच्छा। देखिए वहाँ हम लोग का स्कूटी लगा हुआ है। जितना भी इस कॉलेज में वाहन गाड़ी वगैरह से जो भी आते हैं घूमने या कोई काम से या कॉलेज
या यहाँ जॉब करते हैं तो वो गाड़ी वगैरह वहीं लगाते हैं, और देखिए कितना ही अच्छा है। तो चलिए कुछ और चीज़ हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ के देख सकते हैं लाइब्रेरी कितना ही अच्छा है, यहाँ स्टडी टेबल वगैरह भी बहुत अच्छा है। यहाँ इस कॉलेज का ये लाइब्रेरी है। चलिए कुछ बुकें हम देखते हैं। देखिए बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, लगभग तीन फ्लोर का है। देखिए यहाँ पे बुक, एक्चुअली मैं तो इस कॉलेज का नहीं हूँ, बट फिर भी कुछ नाम वो जो डायरी था उस पर लिख के एंट्री कर लिया हूँ। देखिए यहाँ की लाइब्रेरी, अच्छा तो तभी नहीं। ये आप देख रहे हैं लाइब्रेरी, एक्चुअली इसमें अदर का अलाउ नहीं है, बट मैंने कैसे मतलब साइन करके और बता के कि यहीं का स्टूडेंट हूँ, फिर हमको एंट्री मिला है। और भाई हम आप लोगों को पूरा दिखाया हूँ अंदर का। तो चलिए हम आप लोगों को स्टेडियम अब दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम, मुझे तो पता नहीं था, बट यहाँ आने के बाद पता चला है कि यहाँ स्टेडियम बन रहा है। देखिए स्टेडियम का काम कार्य चालू है, जो कि पता नहीं कब स्टार्ट होगा। तो चलिए किसी से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, क्या बन रहा है? हाँ एक मिनट देखिए ना, इधर क्या बन रहा है? ये स्टेडियम बन रहा है। हाँ उधर बताए थे सर लोग कि स्टेडियम बन रहा है, आप लोग बनाते हैं ना। तो गाइस स्टेडियम बनने के बाद बहुत ही और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। यहाँ बिहार का पूसा, बिहार का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूसा जगह जो है, जहाँ की ये कॉलेज स्थित है, तो स्टेडियम बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा और यहाँ से बहुत ही लोग आएंगे। तो चलिए अब देख लीजिए इसका ओवरव्यू। अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो कैसा लगा? फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो पे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। तो गाइस बाय, और फिर मिलते रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।